और बार बार मैं सूद के खिलाफ बेल भी मैंने कौमी असम्बली में लाया है और बात भी कर रहा हूँ। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विफाकी वजीर पार्लियामानी उमूर अली मोहम्मद साहब भी खड़े हैं और भी अराकीन हैं जो सूद के खिलाफ हैं, लेकिन अमलन इस वक्त हमारा बजट जो है वो सूदी कारोबार पर मुनहसर है। जनाब स्पीकर, जब तक हम सूदी कारोबार को हम अपने माशी निज़ाम से, मालियाती निज़ाम से नहीं निकालेंगे, उस वक़्त तक मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा सकता। इसी वजह से मेरी दरख्वास्त यह है कि जो यहाँ नौजवानों के लिए कर्ज़े में भी 3 और 4% की शरह रखी गई है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, और वो बिल जो मैंने कौमी असम्बली में पेश किया है, जो ग्वालियर स्टेट बैंक लेके गए हैं कि हम इस पर देखेंगे और इसमें जो कुछ मज़ीद इजाफा या तरमीम करनी हो तो वो करके आपको दे देंगे, और उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पर वो बिल असम्बली में ले आएँ और वो पेश करें और यहाँ से इसकी मंजूरी हो जाए। उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि हम इस बात पर खुश हैं कि मौजूदा हुकूमत इस्लामी रियासत की बात कर रही है। अगर इस्लामी रियासत में सूदी की नबी अलैहिस्सलाम के दौर में सूद की कोई गुंजाइश नहीं थी तो अब भी मौजूदा वक्त में जो दावा की जा रही है उसके मुताबिक सूदी कारोबार को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, ये आईन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। अगर आप सूद बमा सूद इस बजट की मंजूरी देते हैं तो ये आईन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, ये कुरान और सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मैदान जंग में उतरना है। इसी वजह से मेरी दरख्वास्त भी है, मुतालबा भी है कि सूदी जितने भी मालियाती उसमें निज़ाम में रखा गया है या कर्ज़े में सूद रखा गया है उसको फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। नंबर दो जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन उनके साथ जुल्म हो चुका है, ज़्यादती हो चुकी है और तकरीबन महंगाई 50-60% बढ़ गई है और उनके तनख्वाहों में 10 या 20% का इजाफा नहीं किया गया, और हमारा मुतालबा यह है कि तमाम मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफा किया जाए। और इसी तरह जनाब स्पीकर, मेरे मोहतरम दोस्त भाई मेरे वज़ीर क़ानून साहब ने 2-3 दिन पहले बाबर आवान साहब ने यहाँ इरशाद फरमाया, उन्होंने मदारिस का ज़िक्र किया, मैं उस पर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मदारिस के किरदार पर दिल से एक दो बातें उन्होंने की। एक तो ये कहा कि 35-40 लाख तलबा व तालिबात दीनी मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं, मुफ्त तालीम, एजुकेशन मुफ्त, खुराक मुफ्त, रिहाइश मुफ्त, बिजली मुफ्त, सुई गैस मुफ्त, पानी मुफ्त, और यहाँ तक कि इलाज भी उनका मुफ्त, और यहाँ तक कि अगर कोई तालिबे इल्म घर जा रहा हो उनके पास पैसे न हो तो मदरसा जो है उनको वो भी दे देती है। तो मेरी दरख्वास्त यह है कि इन मदारिस इस्लाह के नाम पर नहीं, मदारिस में इस्लाह है, यूनिवर्सिटी में इस्लाह करें, कॉलेजों में इस्लाह करें, दीगर जो हमारे इदारे हैं उसमें इस्लाह के लिए पैसे रखें, लेकिन मदारिस की जो बिजली बिल है, स्वी गैस बिल है, और इसी तरह मसाजिद देखें, वह अन्ना मसाजिद अलिल्लाह, मस्जिदों का जो जो कहा गया है कुरान मजीद में मस्जिदों के बारे में, मस्जिद को अल्लाह का घर करार दिया गया है, वह अन्ना मसाजिद अलिल्लाह अल्लाह के लिए हैं। जब अल्लाह का घर हो और अल्लाह के घर के लिए यानी बिजली बिल भी मुआफ न हो और एक इस क्राइसिस में उनके लिए कोई रियायत न हो और एक ख़ास तबके को फनकार का नाम देकर उनके लिए 1 अरब रखा जाए, मेरे ख्याल में ये इस्लामी रियासत के मुनाफी काम है। और मेरा मुतालबा ये है कि जितने भी मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उनके बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ, और वहाँ जो असातिज़ा हैं, उस्तानियाँ हैं, उनको रिलीफ पैकेज में शामिल किया जाए और उनको खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए। जनाब स्पीकर, इसी तरह स्टील मिल के मुलाजमीन
ये मैंने कहा कि मैं जब मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से है और मुत्तहिदा मजलिस अमल से, मुत्तहिदा मजलिस अमल में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी है, हम दोनों स्टील मिल के प्राइवेटाइजेशन के शदीद मुखालिफ भी हैं और मुखालिफत करते रहेंगे, और वहां जो 9,300 मुलाजमीन हैं उसको बाहर रखा जाए, स्टील मिल एक मुनाफा बहस 2009 तक, जिस तरह मेरे भाई कल यहां उन्होंने फरमाया कि 2009 तक मुराद सईद साहब ने, 2009 तक वो मुनाफे पे जा रहा था, लेकिन 2009 के बाद वो हुकूमतें आई जिसने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब मेरा मुतालबा यह है कि इसको चलाया जाए, मुनाफा बहस एक इदारा बनाया जाए इसको, ताकि मुल्क को भी इससे कुछ फायदा हो, और वहाँ के जो मजदूर हैं काम कर रहे हैं अभी तक अपना खून पसीना उन्होंने उसमें लगाया है, उन लोगों को बेदखल न किया जाए, उनको बेरोजगार न किया जाए। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त हकीकत यह है कि मैं किसी पर तंज या तनकीद नहीं, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जो हम सब के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक पार्टी का नहीं है, उन्होंने अपने इख्तदार से पहले फरमाया था कि IMF में जाना खुदकुशी है, और आज जो बजट पेश किया गया है जनाब स्पीकर, हकीकत यह है एक खुदकुशी जो है वो अपने आप को मारना है और दूसरा आवाम के साथ मजाक है, और ये इस बजट में आवाम के साथ मजाक किया गया है, आवाम को कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, उसका जिक्र ही इसमें नहीं है। अगर टैक्सेस इस दफा नहीं लगाए, लेकिन गुज़श्ता साल इसका मदावा किया गया था 8% से 17% तक लगाया गया था, और आवाम के लिए इस बजट में हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए उसमें कुछ रिलीफ होने चाहिए। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम मसनूआत के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो लोग दर पदर ठोकरें खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रसुआ हो रहे हैं, और पूरा दिन जो है पेट्रोल के हुसूल में वो लगा रहे हैं, जनाब स्पीकर मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत की रिट कमज़ोर है, और ये रिट कायम होना चाहिए, ये मार्केटों पर भी कायम होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि मस्जिद पर आप लोगों ने अपना रिट कायम किया, आपने 5 बंदों को नमाज जुमा के लिए इजाजत दे दी, हमने वो जो है फॉलो किया, हमने तस्लीम किया, हमने SOPs के तहत मस्जिदें चलाई, मदरसे चलाए, हमारे मदारिस, मेरा अपना मदरसा अब भी बंद है, हम दाखिले भी नहीं कर सकते SOPs की फॉलो करने की वजह से। तो मेरा मुतालबा यह है कि जनाब स्पीकर, अगर मार्केट में कोई चीज शार्ट होती है, ये पेट्रोल पंप जो है ये हमारे जेर नजर हैं, हम देख रहे हैं उनको, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? सिर्फ एक पाकिस्तान सर्विस ऑयल और शील कंपनी, इस दो कंपनियों में लोगों को पेट्रोल मिलता है, बाकी किसी पंप में नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, इस पे हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, अगर एक दफा एक्शन ले ले तो पूरा साल आराम से वज़ीर आज़म साहब अपने कमरे में, अपने हाउस में बैठेंगे, और आप यहाँ बैठेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी, और जब इस तरह हम ढीला ढाला छोड़ेंगे तो यही लोग, दूसरा माफिया आ जाएगा, तीसरा माफिया आ जाएगा, चौथा माफिया आ जाएगा, और ये मुल्क जो है फिर रहने का काबिल नहीं रहेगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। अब आता हूँ मैं अहम काम की तरफ। जनाब स्पीकर, मैं चित्राल के जो मेगा प्रोजेक्ट है, और यकीनन मैंने कल इसका जायज़ा लिया, ये तकरीबन 70 अरब से कुछ अबाव मंसूबाजात है, यहाँ जहाँ तक इन मंसूबाजात को PhD में शामिल करने पर मैं मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ साथ जनाब स्पीकर, कुछ मेरे मुतालबात हैं, और मैं अपने वज़रा साहिबान को भी, ख़ासकर अली मोहम्मद साहब को भी, ज़रा तवज्जो से मेरा सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लावारी टनल अप्रोच रोड के कुल लागत 26,865 मिलियन है, उसके लिए जो रकम मुख्तस किया गया है वो 2,000 है, और गुज़श्ता साल के भी तकरीबन कोई 250 मिलियन बकायजात है, तो इसमें इजाफा किया जाए। चित्राल ओयोन रोड, अयोध बुम्बुरेद रोड, ये 4,600 मिलियन है,
और इसके लिए जो रकम रखा गया है वो 500 है। और इसी तरह चित्राल गर्म चश्मा रोड 8,314 मिलियन इसके लिए रखा गया है और इस दफा इसके लिए 300 मिलियन रखा गया है। और इसी तरह चित्राल बुनी शंदूर रोड 16,755 मिलियन रुपए है कुल लागत और इसके लिए 350 मिलियन रखा गया है। गुज़श्ता साल 1,000 मिलियन था। जनाब स्पीकर, ये 300 या 500 मिलियन से या 350 17 अरब रुपए का मनसूबा है और 350 मिलियन रुपए रखे गए हैं। क्या ये तो हाथ, एक मिनट जी, काफी मैं आपके कारकर्दगी बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये हाथी के मुंह में जेरा के बराबर भी नहीं है। और इसके बाद कलकटक चित्राल द्रोश रोड चिकेदारा चित्राल रोड जिसको कहा जाता है, उसमें कलकटक से अभी काम शुरू हो रहा है, ये 17,423 अरब रुपए और 250 मिलियन जो है ना जी इसमें रखे गए हैं। और इसी तरह जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ देहात को ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए और ट्रांसफार्मर वगैरह मुहैया करने के लिए गुज़श्ता साल 2,911 मिलियन रुपए रखे गए थे, इस दफ़ा कटौती करके 1,558 मिलियन रखा गया है और इसके लिए सिर्फ इस साल जो है 150 मिलियन रखा गया है जनाब स्पीकर। और इसी तरह अपग्रेडेशन ग्रेजुएशन के लिए 309 और इसके लिए 159 मिलियन रुपए रखे गए हैं। और ये चित्राल हाइडर पावर स्टेशन के लिए 2,000 आपके चित्राल के लिए तो पूरा हिस्सा मिल गया। आप जरा देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। तो क्या ख्याल है मेंगल साहब, इसने तो काफी शेयर लेके गए हैं। 2,188 रुपए और इसके लिए जो रखा गया है 123 मिलियन रुपए। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल 38,226 रुपए रखे गए थे, इस दफा उसमें कटौती करके ये 21,000 रखे गए हैं। थैंक यू। एक तो नहीं जी, है काफी नहीं, क्योंकि टाइम अपने टाइम बहरहाल मेरा प्लीज मेरे साथ एक मिनट में खत्म कर। नहीं, एक मिनट में तो मुश्किल है जी, लेकिन जी आप भी 5 मिनट मुझे दे देना। चलो, पार्टी का टाइम खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, आप भी बड़ा पल का ऐलान वो नहीं नहीं दूसरों का बस मुजाहरा तो करें ना जी। आप अपने पार्टी का टाइम लेना, आपने असद महमूद का टाइम लेना है। 5 मिनट आप मुझे दे दें जी, मैं आपसे मांगता हूँ जी। प्लीज दे दिए ना जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। इसी तरह गोलंगोल हाइडल पावर के लिए ये 988 मिलियन रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, गुजारिश मेरी यह है, लोग हमें कहते हैं कि PSDP ये जो है ये 2018-19 में भी ये रखे गए थे, 2019-20 में भी ये रखे गए थे, अब 2020-21 में भी ये रखे गए हैं। लोग ये पूछते हैं कि काम कब शुरू होगा। मैं वजीर मुआसलात और वजीर पावर ये दोनों जो हैं इनसे मैं मुतालबा करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे वजाहत करें ताकि मैं जाके अपने हलके में अपने लोगों को ये बता सकूं कि इस पर जो है 1 महीना बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद काम शुरू होगा। जनाब स्पीकर, इस तरह जब गुज़श्ता साल हकीकत यह है कि मैंने जब ये बातें की तो लोग कह रहे थे कि यह जो है हुकूमत की तरफ से एक नुमाइंदे के तौर पर यहाँ तकरीर कर रहा है, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा था। लेकिन मुझे पता ये नहीं था कि इस साल इस पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन एक कमाल की बात आप देखें जनाब स्पीकर, 19-3-2020 को एक लेटर यहाँ से इशू हुआ है और अभी तक वो लेटर जो है पिशावर नहीं पहुंचा। जनाब स्पीकर, इसका भी जायजा देना चाहिए कि ये क्यों खतूत जो है रास्ते में गुम हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, बिजली का जो मसला है, आपको पता है कि चित्राल में मेरा अपना इलाका और लोगों का दबाव है, हत्ता कि PTI आपके पार्टी के लोग भी मेरे खिलाफ वहाँ सोशल मीडिया में भी, आम जलसों में भी, बल्कि ईद के दिन वहाँ उन्होंने बात भी की। ये आपके खिलाफ भी जा रहा है, मेरे खिलाफ भी जा रहा है। उसके लिए 15 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, लेकिन अकाउंट न खोलने की वजह से वो पैसे अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं और फिर कोरोना का मसला भी आ गया। इसमें यह है कि जनाब स्पीकर, यूसी ब्रोस बहुत बड़ा इलाका है और इसी तरह यूसी ओयोन बहुत बड़ा इलाका है,
सईताबाद गहरेत शीदी केसु शिशकु जिंजरतकु उरसून अशरेत अरांदू दमल निसार एक मिनट के लिए जी, एक मिनट के लिए सियाहती मकाम बुमबरेत रूमपुर बिरीर गर्म चश्मा के चार तहसीलें हैं ये और अपर चित्राल तेरिच यारखून और दीगर इलाके हैं यहाँ ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है जनाब स्पीकर। अगर इस दफ़ा हमें 15 करोड़ के बजाय 40-50 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुछ इलाकों को बिजली पहुंचाएंगे और वहाँ के लोग दुआएं करेंगे, हमें भी दुआएं करेंगे, आपको भी दुआएं करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी तकरीर जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ कि आप भी इसमें रूलिंग देंगे कि इस साल इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होना चाहिए और अगर काम शुरू हो गया तो मैं यहाँ खड़ा होऊंगा और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो भी इवेंट्स हैं इंशाल्लाह अली मोहम्मद खान साहब आप देख ले, चेक कर ले, फिर इसको मतलब इनके साथ मीटिंग भी कर ले। फजल अहमद खान साहब प्लीज़ जी। अच्छा ये आमिर डोगर साहब की खाला वफात पाई है, चतराली साहब आप दवा फरमाए जी।